सुनो, हाँ? तुम्हारी आंखें कितनी नशीली है, छोड़ो ना, तुम्हारे बाल कितने रेशम जैसे हैं, छोड़ो ना, तुम्हारी साड़ी क्या लग रही है। अरे अब छोड़ो भी ना। अरे इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा हूं, और कितना छोड़ू। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरी बीवी पूरे दिन मुझसे काम करवाती है, दुख इस बात का है कि पूरा काम खत्म होने के बाद अपनी सहेली को फोन करके बोलती है कि मेरा पति कुछ काम का नहीं है। दोस्तों, नौकरी भी बिल्कुल पत्नी जैसी होती है, जो एक बार मिलने पर छोड़ नहीं सकते और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकते। और एक खास बात यह कि अपनी छोड़ के बाकी सबकी अच्छी लगती है। दोस्तों, आज मुझे बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने कैलेंडर पलट के मई महीने से हटा करके दिसंबर का लगा दिया। अब ज्यादा कलेजे को ठंडक पड़ रही है। ओ बे, ऐसी चल रही है ऐसी मई से दिसंबर। हेलो हेलो मैम। हाँ बोलो। आपका अकाउंट हैक हो गया है। अरे मैम, बैंक अकाउंट हैक हुआ है। इतना तो दिमाग भी नहीं है जितना सर दर्द रहता है। आपको पता है मुझे हिंदी भी आती है, गुजराती भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मारवाड़ी भी आती है, सब आता है मुझे। अच्छा, बस अकल ही तो नहीं आती है ना, बड़े चूस चूस के टैलेंट भरे हुए हैं। ये आती है, आती है, वो आती है। क्यों नहीं सुधरते हो? अभी भी वक्त है, अपना कैरेक्टर सुधार लो। कैसे? हर छोटी लड़की को अपनी बहन और हर बड़ी औरत को अपनी माँ समझो। नहीं मान सकता। क्यों? उससे मेरे पापा का करेक्टर नहीं बिगड़ जाएगा? नहीं हो सकता। तुम सभी नहीं सुधर सकते। तुम उस जलेबी की तरह हो जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती है। अरे नहीं नहीं परेशान मत हो, तुम अपना पति का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, बाय। अरे क्या हुआ? अरे वो जो अपने पड़ोसन है ना, उसका जब बेटा हुआ था ना, तब उसको एक बाबा जी ने बोला था कि ये जब भी कोई पहला शब्द बोले था ना, वो मर जाएगा। अच्छा? तो पापा बोला है। मुझे तो उसके हस्बैंड की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं अब उसका हस्बैंड का क्या होगा। मैं तो सोच रहा हूँ मेरा क्या होगा। अरे तुम्हें क्या जरूरत है? मेरा जीव घबरा रहा है, अभी आया मैं। ये लो इंश्योरेंस का पेपर, आपको काम लगेगा। अरे मुझे क्या काम लगेगा? हेलो। अच्छा, वो जो मेरा दोस्त था ना, वो मर गया। ओह, ये वही दोस्त है ना आपका जो पड़ोसन के वहाँ जाया करता? हाँ, ये हरामी साला वही था। पापा।